एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद निगार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसका टॉपिक है कि मेहंदी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करें जिससे हमारे बाल जड़ से काले हो जाएं, मजबूत हो जाएं, घने हो जाएं और लंबे भी हो जाएं, उनमें ज़बरदस्त शाइनिंग आ जाए। मैं अपना खुद का आज आपको पर्सनल जो मैं खुद यूज़ करती हूँ जिस तरह से मेहंदी लगाना वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से मेहंदी लगाती हूँ और उनमें किन किन चीज़ों का यूज़ करती हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल ब्यूटी विद निगार, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूं। और मैं कोशिश करती हूं कि मैं ऐसी रेमेडीज़ लेके आऊं जिसका आपको भरपूर फ़ायदा मिले, आपको एक ही बार में उसका रिज़ल्ट नज़र आए। और देखते हैं कि इस मेहंदी में हमें किन किन चीज़ों को डालना चाहिए और उसका फ़ायदा हमें दुगना मिले। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक लोहे की कढ़ाई ले लीजिए। अगर आप बालों को काला करना चाहती हैं, घना और मोटा, और चाहती हैं कि आपके बाल जो हैं झड़े नहीं, तो आप लोहे की कढ़ाई ले लीजिए दोस्तों। और उसमें आप लेंगी सूखा आंवला। ये हम सब जानते हैं कि सूखा आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, बट आपको इसको इस तरह से यूज़ नहीं करना है। मैं बताती हूँ कि इस आंवले को आपको यूज़ किस तरह से करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आंवले को लेकर उसको तवे पे भून लिया है। ये देखिए, आंवले को जब तक ये काला ना पड़ जाए आप तवे पे लेकर इसको भून लीजिए दोस्तों। और आप जानते हैं कि ये आंवला चाहे सड़ जाए, चाहे सूख जाए या कुछ भी हो जाए, आंवले का जो विटामिन सी होता है किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होता। तो आप आंवले को ले लीजिए और इसको लेकर आप तवे पे तब तक भूनिए जब तक ये काला ना पड़ जाए। और उसके बाद आपको इसका ग्राइंडर की हेल्प से पाउडर बना लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आंवले को ग्राइंड कर लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके से बालों में काला रंग लाएगा ये, आपके ब्लैक हो जाएंगे आपके बाल। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 2 टीस्पून हम लेंगे आंवले का पाउडर। इस पाउडर बना के रख लीजिए, जब भी आपको मेहंदी लगानी हो आप इसी तरह से लगाइए, इसी मेथड से लगाइए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों मेथी। दोस्तों मेथी हमारे बालों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूत करती है और उस पे जो है एक लेयर सी बन जाती है हमारे बालों के ऊपर, जो कि धूप में ख़राब नहीं होते, जिससे हमारे बाल। और थर्ड हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों कलौंजी, कलौंजी पाउडर। यहाँ पे मैंने कलौंजी ले ली है और कलौंजी को मैंने ग्राइंडर की हेल्प से पाउडर बना लिया है। तो 1 टीस्पून आप इसमें ऐड करिए कलौंजी पाउडर। दोस्तों कलौंजी हमारे बालों को ब्लैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और इसमें इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं कि इसकी अगर खूबियाँ आप गिनेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त तरीके से ये हमें फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ है दोस्तों। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मेहंदी। ये देखिए, आप अपने बालों की ग्रोथ और उनकी लंबाई के हिसाब से मेहंदी ले लीजिए। यहाँ पर मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेहंदी ले लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही और हमारे बाल को सिल्की और सॉफ्ट बनाता है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच आप दही ऐड कर लीजिए। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे चाय की पत्ती का पानी। दोस्तों मैंने यहाँ की चाय की पत्ती ले ली थी और उसको उसके पानी को बॉईल कर लिया और उसको ठंडा कर लिया। याद रखिए, ये पानी आपको ठंडा ही डालना है करके। अब देखिए इस तरह से आप धीरे धीरे ये पानी डालती जाइए और इसको मिक्स करती जाइए। ये देखिए दोस्तों, मेहंदी पाउडर जो आप लीजिए तो वो आप कोशिश करिए कि उस मेहंदी पाउडर में किसी भी तरह का केमिकल या कलर ना हो। और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए इस तरह से स्पून को चलाते हुए। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप इस मेहंदी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मेहंदी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। आपको करना क्या है दोस्तों कि इस मेहंदी को आप इसी तरह से रखा रहने दीजिए और मॉर्निंग में आप इसे अपने बालों पे अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए अपने बालों में लगी रहने दीजिए ये मेहंदी। और उसके बाद
सिर्फ पानी से धोना है अपने बालों को, यानी आपको शैम्पू का यूज़ नहीं करना है। और रात में आप अपने बालों में अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लीजिए, यानी बहुत अच्छी तरह से बालों की जड़ों में ऑयल लगा लीजिए, जिससे कि ये जो कलर आएगा आपकी मेहंदी में, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बालों पे चढ़ जाएगा और जल्दी से निकलेगा नहीं। और दूसरे दिन अगर आप चाहें तो शैम्पू कर लें, और उसके बाद देखेंगे कि आपके बालों पे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया हुआ है, और ब्लैक हो जाएंगे आपके बाल, धीरे धीरे ब्लैक होने लगेंगे, आपके बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे, काले लंबे और घने बाल हो जाएंगे, बिल्कुल टूटना बंद हो जाएंगे। तो ये इस तरह के मेथड से मैं खुद मेहंदी लगाती हूँ अपने बालों पे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ये मेथड, आप देखेंगे कि आपके बाल काले भी हो गए हैं, घने भी हो गए हैं, और उनका टूटना और झड़ना तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और ज़बरदस्त शाइनिंग आएगी। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए प्लीज़, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने बाकी की वीडियोस की लिंक्स दे दी हैं, आप वहाँ से जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।